हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर सा एक नेटेड पैटर्न। ये मैंने एक प्रोजेक्ट में डाला है और आप देख ही सकते हैं वाइट कलर पे ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आप इसे किसी भी लाइट डार्क कलर दोनों पे डाल सकते हैं। लाइट कलर के लिए मैंने वाइट दिखा दिया है। इसके लिए हमें मल्टीपल 14 का कास्ट करना है, प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस हमने रखने हैं जो कि एज स्टिचेस रहेंगे, 1 1 बोथ साइड। टोटल ये सिर्फ 6 रोज का ही पैटर्न है फ्रेंड्स। तो चलिए सीखते हैं इसे हमने किस तरह से बनाना है। मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ वो 30 स्टिचेस पे दे रही हूँ। 14 + 14 + 2 एज स्टिचेस हमारे रहेंगे फ्रेंड्स। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने डार्क कलर चूज़ किया है और प्रोजेक्ट में आप देख ही सकते हैं वाइट है लाइट कलर। तो रो 1 के साथ बिगिन करते हैं। पहला फंदा देखिए इस तरह से उतारेंगे धागा अपनी तरफ। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर हमने 8 फंदे सीधे बनाने हैं। तो 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा फ्रेंड्स। पहले एज स्टिच को छोड़कर 2 फंदे उल्टे, फिर हमारे 8 फंदे जो हैं सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। रिपीट पैटर्न चलाएंगे हम 14 फंदों का फ्रेंड्स। फिर से देख लीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब 8 फंदे जो हैं हमारे सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ये रिपीट पैटर्न हमारा ख़त्म होता है। इसी तरह से आप पूरी रो फिनिश करेंगे और लास्ट का एज स्टिच सीधा बना लेंगे। अब आती है फ्रेंड्स रो 2, रॉन्ग साइड। तो जो रॉन्ग साइड है इस पैटर्न में फ्रेंड्स, मैंने पूरा उल्टा ही रखा है। पूरी की अभी हमारा जो है उल्टा ही चलेगा रो 2 पे। रो 2 और रो 4 ये हमारी उल्टी उल्टी ही चलेगी रॉन्ग साइड पे। तो चलिए इसे पूरा फिनिश कर लेते हैं। पूरी रॉन्ग साइड पर्ल डाउन करेंगे यानी कि उल्टा बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और पैटर्न्स और निटिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहे। निटिंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर अडेप्ट करना चाहिए आजकल की जनरेशन को भी। स्ट्रेस रिलीफ और मेंटल पीस इससे बहुत अच्छे से मिलता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। तो रो 2 हमारी हो जाती है। अब आती है रो 3। रो 3 में देखिए हम क्या करेंगे, रो 3 को रो 1 की तरह बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब 8 फंदे सीधे, अब फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपीट कर लेंगे अपनी पूरी रो के लिए। एंड तक जितने भी आपने रिपीट्स डाले हैं पूरे में आपने यही रिपीट रखना है। लास्ट के एज स्टिच को सीधा बनाएंगे और ये हमारी रो 3 फिनिश होती है। रो 4 जैसे कि मैंने आपको बताया था रो 2 की तरह ही बनेगी, यानी कि पूरी हमने पॉल डाउन कर लेनी है, उल्टा उल्टा बनाकर फिनिश कर लेनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो निटिंग के रिगार्डिंग, चाहे इस डिज़ाइन या इस पैटर्न के रिगार्डिंग ही, या जो मैंने नीचे प्रोजेक्ट अपना दिखा रही हूँ बना हुआ उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश रखूँगी। तो रॉन्ग साइड पर हम सारे स्टिचेस को पर्ल डाउन कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे, अब हमारा ना यहाँ पे पैटर्न डलेगा एक, ठीक है। अब आती है हमारी रो नंबर 5, तो पहला फंदा स्लिप, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब जो ये 8 फंदे हैं, यहाँ पर हमने अपना एक ट्विस्ट डालना है। देखिए आप इस तरह से एक फंदे को डबल डबल बार धागे को घुमाकर निट करेंगे। फिर देख लीजिए एक बार, ऐसे एक दो, दो बार धागे को घुमाएंगे और अपने 8 फंदे बनाएंगे। सिंपल है, सीधा ही बनाना है, बस धागे को दो बार टर्न लेना है और इन 8 फंदों को सीधा ही बनाना है। रो 5 है ये हमारी। अगर आप थोड़ा दूर डालना चाहते हैं ये पैटर्न, तो आप रो 5 की जगह 7 भी चूज कर सकते हैं। ये हो गया, अब दो फंदे उल्टे और फिर दो फंदे सीधे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर देख लीजिए रिपीट चलेगा, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अभी 8 फंदों पे इस तरह से डबल बार धागे को घुमाएंगे हम, ऐसे एक और ये दो, ठीक है। इसी तरह से हमने 8 फंदे अपने पूरे कर लेने हैं, सीधा ही करेंगे इन्हें। अब हम इसके बाद दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे और लास्ट का स्टिच सीधा रखेंगे, ठीक है। अब आती है फ्रेंड्स हमारी रॉन्ग साइड, रो नंबर 6। तो अब रो नंबर 6 हमारे, आप ध्यान देंगे, हमने पर्ल डाउन पूरी नहीं करनी है इसमें। बाकी फंदे तो हमारे उल्टे ही चलेंगे, एक दो तीन चार, ये 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए। उसके बाद जो हमने 8 फंदे बनाए हैं जिन पे हमने डबल थ्रेड किया, उसे हम ओपन अप करेंगे। ये देखिए इस तरह से, एक ये दो तीन चार पाँच छ 7 और ये 8। 8 फंदे हमने खोल लिए। अब इसे दूसरी सिलाई में वापस शिफ्ट कर लेंगे, ऐसे हो गया, ये सिलाई वापस बाहर निकाल ली। अब ध्यान देंगे 4 फंदे आगे के बाद 4 फंदे पीछे के जो हैं, पहला एक फंदा लेंगे पीछे में से, यानी कि फिर इसको हम ऐसे उल्टा बनाएंगे और इसको इन 4 फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे इस तरह से। फिर देखिए ऐसे उल्टा बना लिया हमने एक फंदा और इसको इनके 4 आगे वाले 4 के ऊपर से निकालना है। पीछे के 4 फंदे एक एक करके हम बनाएंगे और आगे वाले 4 के ऊपर से निकालेंगे। ये देखिए ऐसे बहुत केयरफुली करेंगे, ये इजीएस्ट वे ऐसे करने का, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आगे वाले 4 फंदे हैं, इन्हें अब हम बना लेंगे उल्टा। देखिए बनेगा उल्टा ही रॉन्ग साइड पे पूरा, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ये हो गया हमारे 8 फंदे। अब बीच के जो फंदे हैं हमने उन्हें उल्टा ही बना लेना है, ठीक है। ऐसा आपको दिखाई देगा, आप ये इन्हें उल्टा बना लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ। अब जो है हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे हैं। अब फिर देखिए हम खोलेंगे इन्हें, एक दो तीन चार पाँच छ 7 और ये 8 फंदे हमने खोल लिए। अब इन्हें सिलाई में शिफ्ट कर लिया, बहुत ही केयरफुली करेंगे। पीछे वाले 4 फंदों से शुरू करेंगे, पहला फंदा लेंगे, इसे उल्टा बनाते हुए आगे वाले 4 फंदों के ऊपर से निकालेंगे। ध्यान से देखिए फिर से, वैसे ऊपर से निकाल के इस तरह से करना है। फिर एक और फंदा लिया, नेट किया उल्टा और आगे वाले 4 के ऊपर में से निकाल लिया। तो इसी तरह से पीछे के 4 फंदे हमने बनाकर कर लेने हैं फ्रेंड्स, हो गया। अब आगे वाले 4 फंदों को उल्टा बना लेंगे, ये हो गया हमारा आगे वाले 4 फंदे उल्टे। अब दो फंदे यहाँ पे हमारे, अब बाकी के फंदे आपको मालूम ही है उल्टे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिपीट पैटर्न चलता है, ठीक है। हमने यही रिपीट पैटर्न फॉलो करना है अगेन एंड अगेन। तो हमारा ये कुछ इस तरह की केबल आपको दिखाई देगी, ये बहुत सुंदर आती है। आपको रिपीट रखना है रो 1, 2, 6 का, और कुछ रिपीट के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे 2 रिपीट्स हो गए हैं, मैंने आपको इसीलिए डार्क कलर पे भी दिखा दिया है फ्रेंड्स, उस पर भी अच्छा लगता है, ये लाइट पे भी। तो ये बोथ कलर्स के लिए है हमारा पैटर्न,
ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, इजी है, इसे मेरे हिसाब से तो बिगिनर इजी से डाल पाएंगे। तो ये 6 रोज का रिपीट पैटर्न रहेगा और बहुत ही प्रिटी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पैटर्न को फ्रेंड्स अपने प्रोजेक्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोस और ट्रिक्स देखने के लिए जल्दी से जाइए नीचे, जो आपका सब्सक्रिप्शन का ब्लैक कलर का बटन है उसे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।